CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम सफाई। बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी बच्चों सबसे जरूरी बच्चों सबसे जरूरी बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी। स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत से हमारे चेहरे पर चमक रहती है, मन प्रसन्न रहता है। हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है और हम दुगने उत्साह के साथ मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहली जरूरत है सफाई। हाँ, सफाई यानी तन की, मन की, घर की और बाहर की, सभी की सफाई होनी चाहिए। बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी बच्चों सबसे जरूरी बच्चों सबसे जरूरी बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी। पहले तन अर्थात शरीर की सफाई को लें। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है, इन पर धूल मिट्टी जम जाती है। यदि प्रतिदिन स्नान करके हम अपने शरीर की सफाई ना करें तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं, इससे पसीना निकलने में रुकावट होती है और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। ये गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह नहाना चाहिए, पर नहाने का अर्थ ये नहीं कि शरीर पर पानी डाल लिया। ऐसा स्नान स्नान नहीं है, नहाने में साबुन का प्रयोग भी उपयोगी होता है। और नहाने के बाद हमें साफ तौलिए से रगड़ रगड़ कर शरीर पोंछना चाहिए, इससे छिद्रों के मुख पर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। नहाने के बाद अपना ही तौलिया प्रयोग में लाना चाहिए, दूसरों का तौलिया कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे दूसरों के रोग हमें भी लग सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए शरीर साफ रखना ही पर्याप्त नहीं है, साफ कपड़े पहनना भी आवश्यक है। गंदे कपड़े पहनने से त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। सेहत के लिए दूसरी जरूरी चीज है साफ पानी। हमें साफ पानी ही पीना चाहिए और यदि पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी शक हो तो पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए। जो लोग कुओं का पानी पीते हैं उन्हें ऐसे कुओं का पानी पीना चाहिए जो बराबर साफ किए जाते हों और जिनमें लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट डाली जाती हो। और हाँ, कुओं की जगत यानी कुएं की दीवार इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उनमें आसपास की गंदगी ना जा सके, कुएं ढके होने चाहिए। तालाब का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। सेहत के लिए खाने की वस्तुओं को साफ रखना बहुत जरूरी है, उन्हें ढक कर रखना चाहिए और अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियां बैठी हो, ऐसी चीजें खाने से बीमारियां हो सकती हैं।
खाने की चीजों को ढक कर रखते, खाने की चीजों को ढक कर रखते, पीने के पानी को साफ है रखते, पीने के पानी को साफ है रखते, रोज नहाना धोना बहुत जरूरी, रोज नहाना धोना बहुत जरूरी, दिल्ली हो चाहे चाहे मसूरी, दिल्ली हो चाहे चाहे मसूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी। सेहत पर घर की सफाई का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, नित्य झाड़ू लगानी चाहिए, नालियां साफ रखनी चाहिए और उनमें फिनाइल डालनी चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहल्ले की नालियां भी साफ रहें, गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इससे मक्खी मच्छरों से बचाव होता है। गंदे और ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं जिससे मलेरिया फैलता है। और इसलिए अपने घर के बाहर और आसपास की सफाई पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए। गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं जो हमारी सेहत को हानि पहुंचाती हैं। गंदा करो मत अपना घर, गंदा करो मत अपना घर, गंदा करो मत अपना नगर, गंदा करो मत अपना नगर, घर और नगर को रखो साफ, घर और नगर को रखो साफ, बीमारी से हर दम रहेगी दूरी, बीमारी से हर दम रहेगी दूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी। साफ हवा के बिना तो मनुष्य की सेहत बन ही नहीं सकती। इसके लिए घरों में खिड़कियां और रोशनदान होने चाहिए जिससे बाहर की साफ हवा अंदर आ सके और अंदर की गंदी हवा बाहर जा सके। और एक बात, सुबह सुबह खुली हवा में टहलना चाहिए। गांधी जी का कहना था, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सफाई से सब अच्छा लगता, सफाई से सब अच्छा लगता, सफाई से सब प्यारा लगता, सफाई से सब प्यारा लगता, सफाई से सेहत ठीक है रहती, सफाई से सेहत ठीक है रहती, सफाई कभी ना छोड़ो अधूरी, सफाई कभी ना छोड़ो अधूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी, बच्चों सफाई है सबसे जरूरी। सफाई, अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, संपादक मंडल अजीत हुरो, रमेश रानी शर्मा और वंदना अरिमर्दन, वाचन स्वर गौरी और अजीत हुरो, गायन स्वर भूपेंद्र और सिमरत कपूर, संगीत राकेश पंडित, ध्वनिंकन दीपक पांडे और बटिलैंगलिंग दोह, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।